आपण पाहत आहात कराड टुडे न्यूज। पुणे बेंगलोर महामार्गावर सहापदरीकरणाअंतर्गत कराडच्या मलकापूर येथील भराव पूल अखेर पूर्णपणे जमीनदस्त करण्यात आला। काल रात्री मलकापूर येथील कृष्णा हॉस्पिटलसमोरील भराव पुलाचे शेवटचे कॉलम कट करून पाडण्यात आले। ईपी जैन कंपनीचे प्रोजेक्ट मॅनेजर सत्येंद्र कुर्मा वर्मा यांनी यावेळेला माहिती दिली की अभी हम लोगों ने कोल्हापुर नाका का सबसे पहले फ्लाईओवर डिमोलाइज किया था और वो टाइम मीन में डिमोलाइज करके वहाँ पे अपना काम चालू हो गया, फाउंडेशन का काम चालू हो गया है। और ये मलकापुर का जो 1.2 किलोमीटर का फ्लाईओवर था, इसको हम लोगों ने जो टाइम 2 महीने का था अपना, उस टाइम के अंदर में कम्प्लीट कर दिया है। और ऑलमोस्ट ये 1.2 किलोमीटर का था, दोनों अप्रोचेस निकाल के इसके अंदर 3 VUP थे, दुष्पैन थे, काफ़ी क्रिटिकल था, काफ़ी कंजेस्टेड था, लेकिन सभी लोगों के सपोर्ट से हम लोगों ने इसको आज कंप्लीट कर दिया है। जो लास्ट पिलर अभी हम लोगों ने गिराए हैं और अंदर जो थोड़ा बहुत मलबा पड़ा हुआ है, विद इन 2-3 दिन के अंदर में क्लियर करके, और ये जो लगभग 200 मीटर का स्ट्रेच बचा हुआ है, 250 मीटर का, जिसको अभी मैं रोड बना के इसको जैसे आगे पीछे किया हुआ है 3-3 लेन का, वैसे ही करके इसको पूरा तरीके से चालू कर देंगे। तो विद इन ए वीक हम इसको एक अच्छी तरीके से, जो 3-3 लेन का हमने जो कमिटमेंट किया था वो रोड बन जाएगा। और डिमोलेशन का काम मलकापुर का फाइनली कंप्लीट हो गया है, लास्ट पिलर आज हमने गिरा दिए हैं, जो थोड़ा बहुत इसको तोड़ के और जो मलबा है उसको हटा के अपना रोड बनाने का काम चालू कर देंगे। थैंक यू। कोल्हापूर नाका आणि मलकापूर नाक्यात इथे 2 पूल सक्सेसफुली पाडण्यात आलेले आहेत। मत्यान असोसिएट डिमोलिशन स्पेशलिस्ट कंपनी आहे, ज्यामध्ये कराडमध्ये कोल्हापूर नाका आणि मलकापूर नाकामध्ये दोन्ही पुलाचं काम यशस्वी आम्ही पुलाचे पाडकाम केलेले आहे। मत कंपनी जी डिमोलिशनमध्ये स्पेशलिस्ट आहे आणि इथे कोल्हापूर कराडमध्ये डीपी जैनच्या सहकार्यामुळे आम्ही आणि लोकल सपोर्टमुळे आम्ही काम आणि बिना जी यशस्वी काम पूर्ण केलेलं आहे आणि आज लास्टचा क्लिअर जो पडला आहे। ओके ओके। डीपी जैन कंपनीच्या वतीने पुलाचे पाडकाम करण्यासाठी मत्ते असोसिएट कंपनीज पूर्णपणे सहकार्य केले असल्याने निर्धारित वेळेत काम पूर्ण झाले। मत्ते असोसिएट कंपनीचे सुधाकर ढोबे, गौरव गवणकर, नारायण यादव व त्यांच्या टीमने हे कराडच्या दोन्ही पुलांचे पाडकाम वेळेत पूर्ण केले आहे। पावसाळा सुरू होण्याच्या आधी संपूर्ण टीमने या कराडच्या उड्डाणपुलाचे व मलकापूर येथील भराव पुलाचे पाडकाम वेळेत पूर्ण केल्याने नागरिकांनी व वाहतूकदारांनी समाधान व्यक्त केले आहे।